मंडी शहर के थनेला वार्ड में वीरवार शाम को आगजनी की घटना सामने आई है। आगजनी की इस घटना में लाखों का नुकसान हो गया है। गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड की टीम समय रहते पर मौके पर पहुंच गई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में आग लगने से यह घटना पेश आई है। मिली जानकारी के अनुसार मंडी नगर निगम के थनेरा वार्ड के टारना मोहल्ला में वीरवार शाम करीब 7 बजे पद्मदेव ठाकुर के 4 मंजिला मकान में बने 2 कमरों में आग लग गई। इस 4 मंजिला मकान में 14 कमरे थे और लगभग सभी कमरों में किराएदार रहते हैं। जिन 2 कमरों में आग लगी थी उनमें भी किराएदार ही रहते हैं। 7 के कमरों में रह रहे लोगों को जैसे ही घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को फोन कर दिया और स्वयं ही आग बुझाने में जुट गए। सूचना मिलते ही कुछ मिनटों में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर मौजूद अन्य लोगों की सहायता से जल्द ही आग पर काबू पाया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि जिन कमरों में आग लगी थी वहां पर 2 गैस सिलेंडर भी रखे गए थे, जिनमें से 1 सिलेंडर ने आग पकड़ ली थी, जिसे फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्तैदी दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर आग लगे सिलेंडर को जल्द बाहर नहीं निकाला जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। लीडिंग फायरमैन हंसराज शर्मा ने बताया कि आगजनी की इस घटना में 10 से 15 लाख का नुकसान हुआ है। समय 7:14 पर हमें कॉल आई कि घर में आग लगी है और सिलेंडर में आग लगी है, तो हमने तुरंत वहां से एक्शन करके AFT जो हमारे पास वाहन है उसमें हर एक सामान जो है उपलब्ध है, तो मौके पर हम लगभग 10 मिनट के अंदर हम पहुंच गए। तो सबसे पहले हमने मौके पर देखा कि सिलेंडर जो है वो आग से लगी हुई थी और सिलेंडर भी जल रहा था, तो हमने उसमें पानी डाला और पानी से बड़ी मुशक्कत से पहले तो हमने वायरिंग जो है उसको कट कर दिया, तो उसके बाद बड़ी मुशक्कत से आग को कंट्रोल कर दिया। तो पूछताछ पर पता चला कि ये जो है परमदेव ठाकुर सन ऑफ श्री स्वर्गीय जवाहरलाल का मकान था, तो इसमें 4 मंजिला मकान और इसमें कमरे लगभग 14 कमरे का मकान है ये, तो इसमें हमने पूरा मकान बचा लिया और जो उस कमरे में 2 कमरे जो थे उसमें कुछ सामान था, घरेलू सामान टीवी फ्रिज, तो उसका नुकसान लगभग लग रहा है 10-15 लाख के आसपास है, तो वो नुकसान हो गया। बाकी हमने पूरा संपत्ति जो है बचा ली और रेस्क्यू जो हमारा बिल्कुल सक्सेस रहा। वहीं घटनास्थल पर इस बात पर चर्चा हो रही थी कि कमरे में रह रहे युवक ने खुद आग लगाई है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। युवक अपने माता पिता के साथ यहाँ रहता है। बताया जा रहा है कि युवक के माता पिता लेबर का काम करते हैं और वे फिलहाल शहर से बाहर हैं। वहीं पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मैं टारना में रहती हूँ, मेरे पापा का घर है श्री परमदेव ठाकुर का, और यहाँ पे एक लड़के ने अपना किरायेदार रहता था, उसने कमरे में आग लगा दी, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है। तो जब आग देखी तो फिर फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया, तो फिर यहाँ साथ में पड़ोसी हेल्प करने आए, जितनी देर में यहाँ पे हेल्प नहीं आई तो उसके बाद अंडर कंट्रोल हो गई। अभी थोड़ा सा सब कुछ अंडर कंट्रोल है। ASP मंडी सागर चंद्र ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि युवक को हिरासत में लिया गया है और आगामी पूछताछ जारी है। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर युवक का मेडिकल भी करवाया जाएगा। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटंग मंडी इकाई की त्रैमासिक बैठक का आयोजन मंडी बस स्टैंड के सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार शर्मा ने की। परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार शर्मा ने कहा कि 28 अप्रैल
2023 को परिवहन कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें परिवहन कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाने के लिए मांग की गई थी, जिसको लेकर हिमाचल सरकार द्वारा 16 मई को अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ओपीएस की अधिसूचना जारी करने के लिए परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि पिछले कल सचिवालय में संगठन की मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व प्रबंध निदेशक के साथ वार्ता हुई है और वार्ता के दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आश्वासन दिया है कि प्रदेश सरकार संगठन की मांगों को जल्द पूरा करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद मंडी इकाई के अध्यक्ष पद का चुनाव भी संपन्न करवाया गया और मंडी इकाई के अध्यक्ष पद पर भीम सिंह को नियुक्त किया गया है। आज यहाँ मंडी बस अड्डा में जो हमारे मंडी इकाई इंटक के सदस्य हैं, पदाधिकारी गण, इन्होंने एक बैठक का यहाँ आयोजन किया था। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था कि हमारी पिछले दिनों कल जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हमारी परिवहन निगम की स्थिति के लिए और परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांगों के ऊपर चर्चा हुई थी और उसके बाद उप मुख्यमंत्री महोदय के को साथ लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारी निगम के कर्मचारियों की मांगों के ऊपर चर्चा की गई। तो हमने आज मुख्य रूप से इस बैठक में प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए जो है वो पुरानी पेंशन योजना लागू की है। साथ ही साथ कल जो हमारी बैठक हुई उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी का ये परिवहन कर्मचारियों को जो संदेश उन्होंने दिया था कि किस प्रकार से हम परिवहन HRTC का भला करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसको आगे बढ़ाना, तो वो संदेश भी हमने उन कर्मचारियों तक पहुंचाया। और साथ ही साथ जो हमारे लंबित ओवरटाइम का जो मसला था उसमें भी उन्होंने जो है वो दो किस्तों में जो है वो 5.5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। साथ ही जो हमारे लोगों का जो मेडिकल का जो पुराना एरियर है 5 करोड़ के आसपास, उसको भी उन्होंने देने की घोषणा की है, तो वो भी कर्मचारियों को आवंटित कराया। इसके साथ जो प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 3% DA की अदायगी कर दी गई थी, हमको वो नहीं मिली थी, तो कल माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय ने वो अदायगी भी जो है हमारे कर्मचारियों को, रेगुलर कर्मचारियों के साथ साथ जो है पेंशनर्स को भी देने की घोषणा की है। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हर कर्मचारी जो है मिलजुल कर जो है कार्य करे, निगम को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करे। और इसके साथ उन्होंने विश्वास दिलाया कि हर महीने जो है 7 तारीख से पहले निगम के कर्मचारियों के वेतन भी जारी कर दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है पेंशनरों को पेंशन देने का भी प्रावधान किया जाएगा। इस वित्तीय कमजोर वित्तीय स्थिति के बावजूद भी है भी जो है वो प्रदेश सरकार जो है, प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार जो है वो परिवहन निगम का भला चाहती है, निगम के कर्मचारियों की भला चाहती है। यही संदेश मैंने आज कर्मचारी साथियों को भी दिया और साथ में सरकार का धन्यवाद। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी जिला के बल विधानसभा क्षेत्र के बहना से पुलिस विभाग में कार्यरत हेड कांस्टेबल की बेटी बबीता धीमान ने HAS यानी हिमाचल प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में टॉप 5 में अपनी जगह पक्की करके क्षेत्र और माता पिता का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। आपको बता दें कि इसी वर्ष बबीता का चयन बतौर सहायक जिला न्यायवादी के तौर पर हुआ था और वे जिले के सुंदरनगर न्यायालय में अपनी सेवाएं दे रही थी। वहीं अब उनका चयन बतौर प्रशासनिक अधिकारी HAS के तौर पर हुआ है। बबीता धीमान के पिता मुरादी लाल पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर सेवारत हैं, जबकि माता शीला देवी गृहिणी हैं और उनकी बहन अर्पिता भी इसी क्षेत्र में आगे BA प्रथम ऑनर्स में पढ़ाई कर रही है। HAS बनने के लिए बबीता ने दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ाई करने में लगाए हैं। एक बार देखना सामने।
वहीं बबीता ने आज की युवा पीढ़ी को संदेश दिया कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और रिश्तेदारों के साथ छोटी काछी मंडी के देवी देवताओं को दिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार मेरा चयन हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में एक HS अधिकारी के रूप में हुआ है। अपनी इस सिलेक्शन का श्रेय अपने माता पिता, अपने परिजनों व जैसे कि आप जानते हैं कि मंडी जिला को छोटी काशी कहा जाता है, तो सभी देवी देवताओं को और देव कमरूनाग को देना चाहूँगी। HS अधिकारी बनने की प्रेरणा मेरे माता पिता के संघर्ष से मिली। मेरी माता जी एक गृहिणी है, उनकी वर्ष 1998 में एक ब्रेन ट्यूमर की मेजर सर्जरी हुई है और मेरे पिताजी इस समय हिमाचल प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। मेरे माता पिता ने मुझे व मेरी बहन को पढ़ाने के लिए व इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। इसी बात पर मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी शायरी आ रही है जो मैं हमेशा से बोलना चाहती थी कि मेरी सोच, मेरी हर सोच उनकी ही खोज है। आज मुझ में जो रोशन है वो बस उनकी सोच है। आज मुझ में जो रोशन है वो बस उनकी सोच है। जैसे हम देख रहे हैं कि इस बार हमारे HS के बैच में काफ़ी महिला अधिकारियों का चयन हुआ है और अब मुझे लगता है कि हमारे समाज में, हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां बदल रही हैं और अब महिलाएं भी पुरुषों के बराबर आगे बढ़कर हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं। जैसे आपने अभी शिमला के इलेक्शंस में देखा होगा, उसमें 34 में से 20 महिलाओं ने सीटों पर अपनी जीत हासिल की है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि हम आगे जा रहे हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर ला सकें और उन्हें उनके सब अधिकार मिले। ये कहा जाता है कि इट्स नॉट अ जॉब दैट वी हैव बीन चूजन फॉर, इट्स अ सर्विस, इट्स पब्लिक सर्विस। तो मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूँगी कि जिस काम कार्य के लिए मुझे चुना गया है मैं उसमें अपना 100% दूँ और मैं जितना हो सकती हूँ खुद को लोगों की सेवा में समर्पित कर सकूँ। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में आज इस मामले में सुनवाई की थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिवों के आग्रह पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई टाल दी। मामले में अगली सुनवाई 19 जून को होगी। उच्च न्यायालय में मुख्य संसदीय सचिवों ने जवाब देने के लिए उच्च न्यायालय से एक महीने का वक्त मांगा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश हुए वकील सत्यपाल जैन ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति पूरी तरह से असंवैधानिक है। सत्यपाल जैन ने कहा कि विधानसभा की कुल सीटों के केवल 15% ही मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। ऐसे में CPS की नियुक्ति संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों को मंत्रियों के स्तर की सुविधा मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें नाम कैबिनेट मंत्री का नहीं दिया गया है। ऐसे में यह सरासर नियमों के खिलाफ है। सत्यपाल जैन ने कहा कि वे CPS की नियुक्ति मामले में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर भी अध्ययन कर रहे हैं। यदि यह मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हुआ तो मुख्य सचिवों को विधायक के तौर पर भी अपनी सदस्यता गंवानी पड़ेगी। प्रदेश में वर्तमान सरकार ने जो एक मंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया है और 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए हैं, उनको भाजपा के 10 विधायकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 4 मई को हाईकोर्ट ने 19 मई के लिए इन सबको नोटिस इशू किया था। आज इन सब की तरफ से, सरकार की तरफ से AG श्री मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से उनके वकील और जो 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, उनमें से 3 को सर्विस हो गई है, 3 की तमिल अभी नहीं हो पाई। आज हाईकोर्ट ने उनके निवेदन पर समय दिया उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए और अब 19 जून को इस केस में आगे बहस होगी। उससे पहले पहले वो अपना जवाब दावा दाखिल करेंगे। हमने कोर्ट को ये बताया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 191, आर्टिकल 164 इन पर बेस करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने असम के केस में 2018 में स्पष्ट निर्णय दिया है कि किसी भी राज्य में किसी भी विधानसभा को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने का, उनके संबंध में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और असम के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सारी नियुक्तियां रद्द कर दी थी
उसके बाद मणिपुर के केस में भी हुआ, वो भी वहाँ रद्द हुई। तो इसलिए ये जो CPS की नियुक्तियाँ हैं वो स्टेट वे संविधान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बिल्कुल असंवैधानिक है। जहाँ तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्रश्न है, भारत का संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जिक्र है, उप मुख्यमंत्री का कहीं वर्णन नहीं है। और हमने कहा कि आज आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, कल को आप एडिशनल मुख्यमंत्री बना दोगे, सीनियर एडिशनल बना दोगे, सीनियर डिप्टी मेयर बना दोगे, सिप्टी डियर चीफ मिनिस्टर करोगे। सरकार संविधान के अनुसार चलती है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के अनुसार नहीं चलती है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का कहीं प्रावधान नहीं है संविधान में, इसलिए उप मुख्यमंत्री को बनाना गैर संवैधानिक है। इस पर उन्होंने समय मांगा है आज रिप्लाई फाइल करने का, वो जवाब दवा दाखिल करेंगे और मुझे लगता है 19 जून को इस पर बहस होगी। लेकिन सर अगर बात के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कर्नाटक में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और DK शिवा कुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। बुधवार देर रात सहमति बनने के बाद कांग्रेस ने वीरवार को इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है। शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को दोपहर 12:30 बजे होगा। इससे शपथ ग्रहण समारोह में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हिस्सा लेंगे। उन्हें इस शपथ ग्रहण समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला से दोपहर 3:15 पर चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। वे 3:45 पर चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इसके बाद चंडीगढ़ से बेंगलुरु के लिए शाम 4:45 पर फ्लाइट लेंगे। यह फ्लाइट शाम 7:30 पर बेंगलुरु पहुंचेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। देखिए कर्नाटका साउथ का बहुत बड़ा राज्य है और वहाँ काफ़ी अरसे बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है। निश्चित तौर पर पहले हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, अब कर्नाटका में जीत हासिल की है। इस दृष्टिकोण से कल वहाँ शपथ ग्रहण समारोह है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में मैं अभी जा रहा हूँ। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर कर्नाटका के साथ भी हमारे को जो कुछ और IT से संबंधित बातें होंगी वो हम आने वाले समय में उनके साथ करेंगे। नहीं देखिए निश्चित तौर पर एक दिशा तो तय हो रही है, अब 24 की परिस्थितियों के हिसाब से क्या होगा वो उस समय की परिस्थितियाँ बताएंगे, लेकिन लोगों की एक दिशा तय होने के लिए इस प्रकार का रास्ता बना है। और आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती मुख्य विपक्षी दल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ही दे। धन्यवाद किसान की जमीन में खैर लगा है और किसान की जमीन में जब खैर लगा है उसको काटने की परमिशंस नहीं थी। हमारी सरकार ने जो सरकारी जंगलों में भी जमीन थी उसको भी काटने की परमिशन नहीं थी, उसका वर्किंग प्लान बनाया, सुप्रीम कोर्ट में ये गया और उसके बाद हमारी सरकार ने अभी तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केस किए उनको सबको जीता है पिछले 5 महीने से। ये बहुत बड़ी बात है। हमने शिमला डेवलपमेंट प्लान के संबंध में हाई कोर्ट में अपना पक्ष सही ढंग से रखा, हम उसमें आगे बढ़े और हमें इसमें सफलता मिली। हमने जो सड़कें रोड्स फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनते थे वो सब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेते थे, हमने उसको विड्रॉ करवाया। खैर के मामले में भी हमारी सफलता हुई, NGT के मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी सरकार गवर्नेंस की तरफ विश्वास करती है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम और भी जहां हमारे कानूनी दाव पेज के हिसाब से हमारे जो केस फंसे उस दृष्टिकोण से भी हम आगे बढ़ेंगे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल सरकार प्रदूषण मुक्त हिमाचल बनाने की ओर प्रयासरत है। इसी कड़ी में प्रदेश में कई सरकारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शुरुआत हो गई है। वहीं सोलन में आज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का भी प्रशिक्षण हुआ। निजी कंपनी ने सोलन की विभिन्न सड़कों पर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को चलाया व इसकी उपयोगिता को जाना।
यहाँ की सड़कों व स्थिति को जांचने के लिए इस प्रशिक्षण को किया गया ताकि आने वाले समय में जो भी इन ऑटो को चलाएं उन्हें परेशानी ना आए। आज जो हम सोलन में ट्रायल कर रहे हैं सर, ये L5 कैटेगरी का ऑटो है। तो आज हमने जितने भी हिली एरिया थे जहाँ पे बाकी जो हमारे कंपटीटर हैं फेल कर गए थे, तो आज आप लोगों के सहयोग और प्यार से हमने पास कर लिया। हमारे जितने भी स्टैंड के जितने भी पुराने ड्राइवर थे सब लोगों ने चलाया। हमने 8 लोग प्लस 10 लोगों को बैठा के ट्रायल किया सर, और उसमें सफलता मिली। और इस गाड़ी में सर पूरा जो अपना बॉडी है पूरा मेटल में है, प्लस हमारा मोटर 4 किलो वाट में है सर। और हाँ, ये L5 थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल। कितने घंटे चार्ज करना है उसको? कितनी सर? मैक्सिमम 8 घंटे में हो जाती है। हम लोग 8-10 बोलते हैं, कहीं कहीं कभी कोई प्लग ठीक से नहीं लगाता तो कभी कभी 10 घंटा ले लेता है। लीड एसिड बैटरी में, लिथियम में वो 5 आवर हो जाएगा। चलेगा कितना? चलने का डिपेंड कर रहा बैटरी का एम्पियर कितना होता है। अगर 200 एम्पियर का है तो 200 किलोमीटर चलेगा, 150 एम्पियर का है तो 120-125 किलोमीटर चलेगा। बेनिफिट क्या है इसके? प्रदूषण मुक्त करेगा? हाँ, बेनिफिट है कि पोल्यूशन लेस पोल्यूशन, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है और नॉइज बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो खर्चा ड्राइवरों का होता था डीजल पेट्रोल CNG में रोज जेब से लगता था, भारी पड़ता था उनका खर्चा, उनको लगता है एक टाइम बस लगेगा तो मैं मेहनत करके पैसा निकालूंगा, मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। इस चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। सोलन के चंबाघाट में हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग के कार्यालय में शूलिनी मेले में लगने वाली प्रदर्शनियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विभागों द्वारा लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों को लेकर चर्चा हुई। आज शूलिनी मेले को लेकर जो इसमें प्रदर्शनी की जो कमेटी है, जो प्रदर्शनी लगेगी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उनकी तैयारियों को लेके आज बैठक थी। और शूलिनी मेले में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो भी अपने प्रोडक्ट्स है, स्कीम्स है और कोई योजना है, परियोजना है, उसको लेके जन सामान्य में किस तरह से उसको मतलब ले जाना है जन सामान्य तक, उसको लेके ये बैठक का आयोजन हुआ। और शूलिनी मेले में इस तरह की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और लोगों के बीच में इन चीज़ों को रखा जाएगा। जो कमेटी है, जितने डिपार्टमेंट्स को कमेटी में बुलाया जाना चाहिए वो सब आए हैं। जो दूसरे डिपार्टमेंट से जो कमेटी के मेंबर नहीं हैं उन तक भी सूचना जाएगी और ये तय है कि उन डिपार्टमेंट्स को भी वहाँ आना होगा और अपनी अपनी स्कीम्स और प्रदर्शनी लगानी होगी। कोर्स जो स्टेट गवर्नमेंट के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है और जो सरकार जिस रोड मैप को विजन को लेके चली है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमारा भी यही आग्रह है सबसे कि इन चीज़ों को लेके सामने आएँ और बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने रखें। और गवर्नमेंट का जो एक ग्रीन एनर्जी और ग्रीन स्टेट का जो एक परिकल्पना है, जो एक दृष्टिकोण है, जो एक विजन है, वो सामने आना चाहिए और बेहतरीन तरीके से बाहर आना चाहिए। इस बार शूलिनी मेले में प्रदेश सरकार की ग्रीन हिमाचल बनने को लेकर प्रदर्शनियां आकर्षण का केंद्र होंगी। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर उनके क्षेत्र जसवा परागपुर के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में पूर्व में स्थापित किए गए कार्यालयों को शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है, जबकि यह क्षेत्र के अनुसार व्यवहारिक नहीं है। उनका कहना है कि यदि सरकार अन्य क्षेत्रों में कार्यालय खोलना चाहती है तो वहां दूसरे कार्यालय खोले जा सकते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में कार्यालयों को उठाकर दूसरी जगह स्थापित करना क्षेत्र के साथ भेदभाव को दर्शाता है। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार जिस प्रकार HRTC में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की बात कर रही है, वह भी अपने आप में व्यवहारिक निर्णय नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि HRTC प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए है, ऐसे में कई रूटों पर सवारियां कम होने पर भी चलाई जाती हैं। खाटे वाले रूटों को बंद करना भी उचित नहीं है। आज मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र जसवां परागपुर के बारे में मैं कुछ बातें आपके साथ साझी करना चाहता हूं। पिछली सरकार में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में
मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आईपीएच और पीडब्ल्यूडी के डिवीजन खोले गए, जिनको खुले हुए लगभग 4 वर्ष हो गए हैं। कंस्टिट्यूएंसी जो है वो 103 किलोमीटर लंबी है, इसलिए एक डिवीजन जसवा में खोला गया पीडब्ल्यूडी का और एक डिवीजन आईपीएच का जो है वो प्रागपुर में खोला गया। लेकिन मुझे आपको बताते हुए ये दुख हो रहा है कि जो पीडब्ल्यूडी का डिवीजन हमने कोटला बेड में खोला, उस डिवीजन को शिफ्ट करने के लिए राजनीति की जा रही है। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं इस कोटला बेड की जो हमारा जो क्षेत्र है उसकी हिस्ट्री का, कि इससे पहले आदरणीय धूमल जी ने वहां पे डिग्री कॉलेज खोला था और स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने सरकार के आते ही उस डिग्री कॉलेज को बंद कर दिया। मैं हाईकोर्ट में लड़ा और हाईकोर्ट में मैं जीत गया। वीरभद्र जी सुप्रीम कोर्ट में चले गए उसको रोकने के लिए, लेकिन बाद में सरकार बदल गई और मैंने वहां पे कॉलेज जो है वो वहां पे लिया। आज वहां पे लगभग 8 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो है वो कॉलेज की वहां बनी और बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैंने वहां पे एसडीएम का ऑफिस खोला और मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि कांग्रेस की इस सरकार ने उस एसडीएम के दफ्तर को भी बंद कर दिया और उस क्षेत्र के साथ कांग्रेस इतना ज्यादा भेदभाव कर रही है कि अब वहां पे जो डिवीजन खोला गया है उस डिवीजन को भी उस स्थान से शिफ्ट किया जा रहा है। पहले कॉलेज बंद किया, फिर एसडीएम का दफ्तर बंद किया और अब उस डिवीजन को भी बंद किया जा रहा है। उस डिवीजन के पीछे की बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस डिवीजन की बिल्डिंग्स बनने के लिए, दफ्तर बनने के लिए, रेजिडेंशियल एरिया बनने के लिए एक वहां श्री रमेश चंद शर्मा जी हैं जिन्होंने 5 कनाल जमीन खरीद के पीडब्ल्यूडी के नाम की है। आज से 6 महीने पहले उस बिल्डिंग का टेंडर हो गया है, लेकिन ये कांग्रेस के जो हारे निकारे नेता हैं उन्होंने उस बिल्डिंग को का जो टेंडर है उसको अवार्ड नहीं होने दिया। पिछले 6 महीनों से उस टेंडर के अवार्ड को भी रोक के रखा हुआ है और अब उनकी ये टेंडेंसी है कि इसको, इस दफ्तर को बदल के डाडासीबा में ले जाया जाए। डाडासीबा भी मेरा क्षेत्र है। डाडासीबा के अंदर भी आपको बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने ब्लॉक खोला है, पिछली सरकार ने लगभग 10 करोड़ रुपया खर्च करके वहां पे सिविल हॉस्पिटल दिया है, पिछली सरकार ने वहां पर मिनी सेक्रेटरिएट बनाया है, पिछली सरकार ने वहां पर ये लगातार वहां पे जो चीजें हैं ये वहां पे जो है वो दी गई हैं। और एक रेस्ट हाउस है लगभग वो 70 लाख रुपए में वो एक नया रेस्ट हाउस वहां पे बनाया गया है। हम लगातार सभी प्रकार के क्षेत्रों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे विकास किया जा सकता है, उस तरफ काम किया। लेकिन मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि पर्टिकुलरली जसवां के उस क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है सरकार। मैंने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी इसके बारे में निवेदन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन भी होगा, ये आंदोलन धरती पे भी होगा और इसके साथ साथ ये आंदोलन का एक पार्ट जो है वो मैं न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये सारी बातें शांतिपूर्ण वातावरण से ठीक हो जाए, वरना ये वहां की जो परिस्थिति है, जो वहां के लोगों की मंशा है, जो वहां के लोगों का मन है, अगर मैं बताऊं तो वहां एक तरीके से बहुत बड़ी रिजेंटमेंट उस क्षेत्र के अंदर है। इसलिए आपके चैनलों के माध्यम से भी मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई ऐसा काम ना किया जाए जिसके कारण से आने वाले समय में कांग्रेस को वहां से दुविधा और ज्यादा बढ़े। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम सोलन के सभी 17 वार्ड में घर द्वार कूड़ा एकत्रित करने वाले सफाई कर्मचारियों को चालान करने की पावर मिल गई है। यह कर्मचारी अब चालान भी कर सकते हैं। निगम के इस निर्णय के पीछे लोगों का गैर जिम्मेदार व्यवहार है। निगम ने शहर में गीला व सूखे कूड़े को पृथक कर दिया है, यानी मंगलवार व शुक्रवार को शहर में सूखा कूड़ा और शेष 5 दिन गीला कूड़ा एकत्रित किया जाता है, लेकिन लोग दोनों कूड़े को एक साथ मिक्स कर दे रहे हैं। इस कारण निगम को इसे पृथक करने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। यही वजह है कि निगम ने अपने सफाई कर्मचारियों को ऐसे लोगों का चालान करने को कहा है जो दो कूड़े को एक साथ कर देते हैं। अभी
पूरे सोलन पूरे शहर के 17 वार्ड का हमारा शेड्यूल है कि हर वार्ड में जाना है। बाकी जहाँ तक कूड़े का है वो सेग्रीगेटेड कूड़ा हर किसी की दायित्व है। यहाँ पे सबसे हमें सपोर्ट चाहिए आपके माध्यम से कि सेग्रीगेटेड कूड़ा जो है गीला और सूखा अलग करके रखें, क्योंकि हमारा घर घर से कूड़ा उठता है। अगर वो नहीं करेंगे तो हमने यहाँ कॉरपोरेशन से हमने पावर दे दी है, जो भी कूड़ा उठाने वाले जाएंगे वो उनको चलान करेंगे, हमें फीडबैक देंगे और फोटो हम सब हर रोज़ फोटो लेंगे कि जो सेग्रीगेटेड नहीं देगा तो उसके खिलाफ चलान भी होगा और उसके बाद फिर हम उनका कूड़ा नहीं उठाएंगे। सर कितने तक का चलान का इस बार? 1000 रुपये तक का चलान करेंगे। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह।